बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन रिपेयर फार्म से। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपकी ड्राइंग्स के मुतालिक है, आपके प्रोजेक्ट के ड्राइंग के मुतालिक है। आउट ऑफ स्केल एंड आउट ऑफ कोऑर्डिनेट ड्राइंग को आपने कैसे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स और ओरिजिनल स्केल के ऊपर एडजस्ट करना है। जैसा आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ओरिजिनल स्केल की ये ड्राइंग बनी हुई है जिसके अंदर ये मुकम्मल स्केल वगैरह हैं, और अगर आपके पास कोई ड्राइंग डिस्टर्ब हो जाती है, आपके प्रोजेक्ट की ड्राइंग या कोई डिस्टर्ब कर जाता है, कोई आपके साथ स्केल इसका आउट हो जाता है, तो इसको आपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स ड्राइंग के ऊपर कैसे लेकर आनी है। जिस तरह सॉफ्ट कॉपी हमें इशू हुई होती है उसके अंदर कंप्लीट इसकी डिटेल होती है, तो ये दोनों की मदद से आप हार्ड कॉपी की मदद से भी और इसके अंदर स्केल की मदद से भी, उसकी ओरिजिनल ऑटो कैड की ड्राइंग की मदद से भी इन ड्राइंग्स को आप अपने स्केल के ऊपर लेकर आ सकते हैं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनल ड्राइंग है, देख रहे हैं ये हमारे पास ओरिजिनल ड्राइंग है, पूरी कंप्लीट ड्राइंग ये ओरिजिनल हालत में पड़ी हुई है। तो इसके इधर से डिस्टेंस वगैरह जो भी मैं इधर से मालूम करता हूँ उसका, बिल्कुल आप देखेंगे ये एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर आ रहे हैं, और जो भी कोऑर्डिनेट्स आप इन पॉइंट्स के लेंगे जिधर से उसने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट ने, तो ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सेम टू सेम इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं। तो अगर आपके पास कोई आप काम करते हैं इसके ऊपर, कोई आप इसको रोटेट कर देते हैं या आपके पास ही डिस्टर्ब हो जाती है, आउट ऑफ स्केल हो जाती है, या कोई बंदा शरारत करता है जाते वक्त आपकी ड्राइंग को डिस्टर्ब कर जाता है, उसको चेंज कर जाता है, उसका स्केल आउट कर जाता है या उसको रोटेट कर जाता है, उसको आपने कैसे एडजस्ट करना है, इस ये आज की वीडियो हमारी इसके मुतालिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम पेश आती है कि कोई ड्राइंग आपकी डिस्टर्ब हो जाती है या कोई आपकी ड्राइंग को डिस्टर्ब कर जाता है, तो उसको आपने कैसे करना है। तो इसमें पहले नंबर के ऊपर आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ड्राइंग है, और सेकंड नंबर के ऊपर देख रहे हैं कि इसमें आउट ऑफ स्केल और आउट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दोनों चीज़ें हैं। तो आप इधर से इसका डिस्टेंस वगैरह भी आप इधर से कैलकुलेट करते हैं, इधर सारा उसका डिस्टेंस भी हमारे पास आउट आता है इधर से। इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं 75.76 से डी और ई ग्रेड का, तो इधर हमारे पास डी और ई ग्रेड का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 5.324 है। तो आपने ये इसी तरीके से इसकी ड्राइंग्स वगैरह को आप इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसको कैसे आपने सेट करना है, तो उसके मुतालिक ये मेरे वीडियो के मुतालिक इसके अंदर मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसमें हमारे पास जो डिस्टर्ब हुई होती है उसमें दो किस्म के ऑप्शन हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं, कि जो बंदा डिस्टर्ब करके जाता है या कोई गलती से डिस्टर्ब होती है, एक तो वो ड्राइंग रोटेट हो जाती है, और दूसरा अगर कोई इसको जानबूझ के रोटेट आपको प्लांट को डिस्टर्ब करके जाता है, तो वो उसका स्केल और रोटेट दोनों चीज़ें वो चेंज करके जाता है ताकि आप इसका दोबारा आप इसको सेट ना कर सकें या आपको या आपका टाइम ज़ाया हो। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास सारे डिज़ाइनर ने अमूमन हमें इसके साइड के ऊपर दिए गए होते हैं, और उसके बाद ये दरमियान में जिधर हमने कोई लेआउटें करनी होती हैं और कुछ पॉइंट्स हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स में रिक्वायरमेंट होते हैं, तो हम ओरिजिनल ड्राइंग की मदद से इधर से उसके कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करते हैं किसी भी कमांड के जरिए, लिप्स कमांड के जरिए या आईडी के जरिए। सपोज ये C3 कॉलम है मेरे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स इधर से कैलकुलेट करूंगा और साइड के ऊपर लेआउट करूंगा या मैं किसी को प्रोवाइड करूंगा। तो अगर ये आपकी ड्राइंग एडजस्ट हुई हुई है, अभी आप ये देख रहे हैं कि ये ड्राइंग हमारी रोटेट हुई हुई है, इसका स्केल हमारे पास सेम टू सेम है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें डी और ई का जो स्केल आ रहा है, जैसे मैं उसके कैलकुलेट करता हूँ, उसका डायमेंशन लेता हूँ, उसकी लाइन की डायमेंशन लूँगा जैसे, तो मैं ये आप देखेंगे ये मेरे पास इसका डिस्टेंस सेम टू सेम है, लेकिन इसके आप इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह जैसे आप अगर कैलकुलेट करते हैं इसी पॉइंट के, तो आप देखेंगे ये हमारे कोऑर्डिनेट्स इसके आउट आएंगे। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ऊपर कोऑर्डिनेट्स हैं 15000.681, इधर हमारे पास कोऑर्डिनेट आ रहा है 155.69 और 861 वगैरह के हिसाब से आ रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स इधर से डिस्टर्ब है। तो ये सबसे पहले जो रोटेट ड्राइंग होगी इसको आपने कैसे सेट अपने अपने इसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आपने सेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने इसको पूरी ड्राइंग को जो भी आपकी जितनी भी ड्राइंग है उसको आपने ब्लॉक की शक्ल में बनाना है। तो ब्लॉक के लिए आपने बी कमांड बार के अंदर आपने टाइप करना है, और आपने कोई भी एक्स वाई जेड जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आप नाम देकर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके ये पूरी ड्राइंग को आपने जैसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर कोई भी ऑप्शन आपके साथ रह ना जाए, आपने इसको बिल्कुल जो है ना कंप्लीट इसको ब्लॉक की शक्ल में लेकर आना है, जितनी हैवी ड्राइंग भी आपकी लेकर आने के बाद आपने इसको राइट क्लिक करना है और इधर से आपने इसका ऑब्जेक्ट ब्लॉक बना देना। तो भी आप देखेंगे ये मेरे पास इधर इसका ब्लॉक बन गया है, इधर से आप इस ड्राइंग को रोटेट करते हैं या जो भी आप करते हैं तो वो आपकी पूरी ड्राइंग इकट्ठी एक ही दफ़ा मूव होगी। तो आपने इसका सबसे पहले इसका ब्लॉक बना देना है, उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि इधर कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर आपके कोऑर्डिनेट्स भी कोई बंदा डिस्टर्ब कर गया है तो आपने अपनी हार्ड कॉपी जो आपके पास
पास हार्ड कॉपी होगी इस शेप के अंदर, आपके पास इन हैंड होगी, उसकी मदद से आपने ये सारी चीज़ें एक दफ़ा चेक करनी है, लाजमी चेक करनी है इनके डिस्टेंस वगैरह क्या आ रहे हैं और इधर कोऑर्डिनेट जो उसने दिए हुए वो उसको आपने कैसे एडजस्ट करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपने इधर से देखने हैं, उसका डिस्टेंस वगैरह भी आपने इधर से उसको रीचेक करना है। तो ये ड्राइंग हमारे पास जस्ट इधर से रोटेट हुई हुई है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह उसके सेम टू सेम है, तो इसको हमने किस तरह करना है, तो इसके लिए मैं इधर से इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा, क्लिपबोर्ड के ऊपर आप आ जाएं, कॉपी कर लें और इधर से आपने न्यू ड्राइंग के ऊपर आ जाना है। न्यू ड्राइंग के ऊपर आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और इधर से आपने उसको क्लिपबोर्ड के अंदर आके और पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स आपने कर देना। अगर आपके पास इधर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने इधर से एडिट के ऊपर आना है, इधर आपके पास पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स वाला ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपने इधर से इसको सिलेक्ट करके और इधर इसको क्लिक कर देना है और जूम इंटर और ई इंटर करके जूम एक्सटेंड कर लेना, तो ये ड्राइंग आपकी इधर आपके पास शो हो जाएगी। उसके बाद आपने जैसे हार्ड कॉपी के ऊपर अपने आ जाना है जो कि आपके पास मौजूद होगी इन हैंड आपके हाथ के अंदर, तो आपने उधर उसकी मदद से आपने इसके डिस्टेंस भी चेक करेंगे हम और इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी। तो इधर से आपने इसकी तीन कोऑर्डिनेट्स को किसी भी स्ट्रेट लाइन के तीन कोऑर्डिनेट्स लगाने, सपोज पॉइंट ए हमारे पास है इसका कॉर्नर, पॉइंट बी और पॉइंट सी इधर हमारे पास आ रहा है, तो आपने इसके कोऑर्डिनेट्स इधर लगा देने तीन कोऑर्डिनेट्स, या आप इसमें से आप ये पॉइंट सी थ्री और ये पॉइंट से आप ले सकते हैं और दरमियान में से भी जिस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं आप वो भी ले सकते हैं। इधर से आप ये कॉर्नर और ये कॉर्नर भी ले सकते हैं, इसी तरीके से चारों कॉर्नर ले सकते हैं। तो हम इधर से बात करेंगे ये कॉर्नर और ये कॉर्नर और ये थर्ड नंबर कॉर्नर के ऊपर कि इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने कैसे लेना है। इसके लिए सबसे पहले आपने इधर से इस प्लान को जो आपके पास हार्ट शेप के अंदर होएगा आपने देख लेना है कोऑर्डिनेट्स आपके किधर से जा रहे हैं। ये हमारे पास इधर कॉर्नर से कोऑर्डिनेट जा रहे हैं और ईस्टिंग है इसकी 15000.000 और नॉर्थिंग है 455.077.415। तो आपने अपनी ऑटो कैड की ड्राइंग के ऊपर आ जाना है जो कि आपने इधर कॉपी की होगी। अगर आप इसको कॉपी नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास ये ओरिजिनल ड्राइंग के अंदर है, मैंने उसको कॉपी किया है जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हम इस प्लान को अलग-अलग कैसे बनाएंगे। तो आप अगर इसको इसी ड्राइंग के अंदर भी सेट करेंगे तो सेम टू सेम आपने वही प्रोसेस को यूज़ करना है। तो इधर से हम इस ड्राइंग के ऊपर आ जाते हैं और इधर से हमने कमांड लेनी है पी लाइन की, पी लाइन की आप कमांड ले लें और इधर से आपने ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास 15000 और नॉर्थिंग है 455.077.415। तो ये सबसे पहले आपने इधर इसका पी लाइन के ऊपर ये इसके कोऑर्डिनेट्स को लगाने हैं 15000 हमारे पास ईस्टिंग है, आपने इसके साथ कॉमा लगाना है और इसके बाद आपने 455.077 जो उसके कोऑर्डिनेट है 0.415 आपने ये लगा देने हैं। ये कोऑर्डिनेट्स आपने ये वाले इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपने लगा देने हैं, ऑटो कैड को पढ़ाना है और इधर से आपने इसको इंटर कर देना है। इंटर करेंगे तो आपकी पहली लाइन जिधर आपके पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होगा इधर आपकी लाइन ये ड्रा हो जाएगी। उसके बाद आपने इसी तरीके से हार्ड शेप कॉपी के ऊपर आ जाना है और इधर से ये कॉर्नर जो हमारे पास है उसकी स्ट्रिंग है 15000 और नॉर्थिंग है 455.000। तो आपने इसी तरीके से ड्राइंग के ऊपर आना है और इधर से कोऑर्डिनेट 15000 आपने लगा देने हैं और उसके बाद आपने इधर से कॉमा लगाना है और 455 जो उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे जो भी पॉइंट्स के, और उसके बाद इसके 000 लगा के आपने इंटर कर देना, तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट रहा हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है, हमने ये वाला पॉइंट लिया, आप इस पॉइंट को स्ट्रिंग नॉर्थिंग ले लें 15000.8.327 और 455.000.015। तो आपने इसी तरीके से इस ड्राइंग के ऊपर आ जाना है इधर और आपने इसके कोऑर्डिनेट्स इधर लगा देने हैं 15000.8.327 कॉमा लगाना है साथ और उसके बाद इसके 455.000.015 का आपने ये कोऑर्डिनेट इधर लगा दे के इंटर कर देना। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास ये तीन पॉइंट्स इसके ड्रा हो गए, अपने कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आ जाना है जो कोऑर्डिनेटेड प्लान के ऊपर। तो आप ये देख रहे हैं कि ब्लॉक की शक्ल में है, आपने इसको ब्लॉक लाजमी बनाना है। ब्लॉक बनाएंगे तो ये पूरी आपकी हर चीज़ इसके अंदर कॉपी हो जाएगी, अगर आप ब्लॉक नहीं बनाएंगे तो आपकी कोई चीज़ें इसके अंदर रह जाएंगी। तो आपने इसको ब्लॉक की शक्ल में बनाया हुआ, तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसी तरीके से सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और उसके बाद हमने ये थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर इधर लिए हैं। तो आपने इधर से ये हमारे पॉइंट लग गए हैं और ये हमारा प्लान है। तो आपने इधर से क्या करना है, अलाइन की कमांड ले लेनी है, AL आपने टाइप करना है तो ये अलाइन की कमांड आपके सामने आ जाएगी। आपने इधर से इसको क्लिक करना है और सबसे पहले अपने इस प्लान को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपसे पूछेगा सिलेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और नीचे आपसे पूछ रहा है अलाइन स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। तो आपने इधर से आना है और फर्स्ट सोर्स पॉइंट को आपने बिल्कुल इधर एहतियात के साथ जिधर आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं आपने इसको इधर से पिक करना है और ये जो हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट हमने लगाया था इधर आपने लगा देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है
सेकंड सोर्स पॉइंट, तो आपने जैसे सेकंड सोर्स पॉइंट, ये हमारे पास सेकंड सोर्स पॉइंट है, आपने जैसे इसको बिल्कुल जिधर आपके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं आपने उधर से इसको सिलेक्ट करना है और सेकंड पॉइंट के ऊपर आपने चला जाना है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि थर्ड पॉइंट हमारे से पूछ रहा है, थर्ड आप सेकंड पॉइंट के ऊपर इसको लाइन कर सकते हैं लेकिन आपने इसको थर्ड पॉइंट के ऊपर लेके जाना है। तो आपने इधर से थर्ड पॉइंट के ऊपर जिधर आपके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, तो आपने इधर से इसी तरह इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर आना है और इस तीसरे पॉइंट को आपने सिलेक्ट कर देना। आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका कोऑर्डिनेट प्लान ऑटोमेटिकली इधर से मूव होके और इस लाइन के ऊपर इधर ड्रा हो गया है सारा। तो आप ये देख रहे हैं कि सारा बिल्कुल आपका मूव हो गया और ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो लाइन आपने लगाई थी उधर आ गए। इधर से आप इसकी कमांड को चेक कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह इधर से चेक कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ रहे हैं जो हमने इधर लगाए हैं। इसी तरीके से आप इसके जो जो से पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उधर से आप इसके कुछ पॉइंट्स को आप इधर से चेक कर लें, इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह को, तो ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट वही कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो कि हमारे पास ड्राइंग के अंदर हैं। तो ये आप ये देख रहे हैं कि सारे आपने आप जस्ट इधर से आपने इसके तीन पॉइंट्स लगाए हैं, आपने अपने लगाए हैं अपने हार्ड कापी के ऊपर से इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए, ताकि हार्ड कापी को हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि इसके अंदर कोई कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी अगर कोई मसला हो तो वो हमारा इधर से क्लियर हो जाए। तो आपने इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स को लगा लेने और इधर से आप इसके डिस्टेंस वगैरह जो दिए गए हैं वो भी आप इधर से चेक कर लें, बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी डायमेंशन वगैरह ले लें। डायमेंशन लेंगे तो आप ये देखेंगे हमारे पास उसकी डायमेंशन वगैरह बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही हैं। आप ये इसको ड्राइंग के ऊपर बी और सी हमारे पास इधर था तो आप इसका डिस्टेंस वगैरह भी इधर से देख सकते हैं 21.00 आ रहा है। तो ये हमारे पास आपने इसी तरह इसको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप इसको इधर से खत्म कर दें जो आपको एक्स्ट्रा लगे हुए, उसके बाद आपने जो ब्लॉक बनाया हुआ था इस ब्लॉक को आपने इधर से सिलेक्ट करना है और एक्सप्लोर कर देना है। एक्स की कमांड ले लेनी है कमांड बार के ऊपर, उसको जैसे टाइप करेंगे तो ये आपका एक्सप्लोर हो जाएगा और आपके जितने टेक्स्ट वगैरह हैं सारे एग्जैक्ट उसी जगह के ऊपर आ जाएंगे जिधर आपके पास जो जो सी ड्राइंग के ऊपर दिए गए होंगे। उसी तरीके से आप इसको इधर से डायमेंशन में इधर से लेके इसकी वजह से आपको मैं दोबारा भी आप चेक कर लें, 21 आ रहे हैं जैसे डेसिमल इसका। अब मैं स्केल इधर से थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि वो हमें पूरा एग्जैक्ट उसका फिगर दे। तो आपने जैसे इसको इसी तरीके से आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं 21.001 हमारे पास आ रहा है। तो इसी तरीके से जो से भी डिस्टेंस आपने लेने तो आप ले सकते हैं। इसके बाद आप अपने जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर जिधर से भी आप इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह लेंट्स के ऊपर जैसे भी आप जो जो से पॉइंट्स आप लेंगे तो ये आपके पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर पूरी की पूरी ये ड्राइंग आएगी और जैसे आप अपने कोऑर्डिनेट्स वगैरह को लेके अपनी लेआउट्स वगैरह कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप दूसरे नंबर पर आ रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास आउट ऑफ स्केल है और आउट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दोनों ड्राइंग्स हैं, तो उसका क्या मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। इधर आप ये देख सकते हैं हमारे पास इधर डिस्टेंस आ रहा है ई और एफ का हमारे पास 82.768। तो अभी इधर आप आते हैं ई और एफ के ऊपर, तो ये ई और एफ है इधर हमारे पास डिस्टेंस का 27.589। ये आप डिस्टेंस देख रहे हैं ई और एफ का 27.589 डिस्टेंस है इधर, इधर आप देख रहे हैं 82.768 है। तो ये आपने इधर डिस्टेंस को भी एडजस्ट करना है और इसी तरीके से इसके जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह होंगे सारे वो आपने देख लेने हैं इधर से कि सारे के सारे ये इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा आउट होंगे सारे कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास 16548 आ रहा है, इधर 15088 है, तो इसी तरीके से इन कोऑर्डिनेट्स को आपने कैसे सिलेक्ट करना है। तो आपने इसी तरीके से इस डैंग को भी जो भी आपकी डिस्टर्ब हुई होगी सबसे पहले आप उसको ब्लॉक की शक्ल में ले आना है। भी आप ब्लॉक करेंगे और इधर आपने कोई भी ब्लॉक का नेम एक्स वाई जेड आप दे सकते हैं, इसको आपने जैसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके और पूरे ब्लॉक की शक्ल में इसको बना देना है। ब्लॉक की शक्ल में बनाने के बाद राइट क्लिक करके आपने ओके कर देना है। उसके बाद आपने इसको ड्राइंग को इसके अंदर भी आप बना सकते हैं इधर, चूँकि हमारे पास ड्राइंग ज़्यादा पड़ी हुई है हम इसको थोड़ा सा अलहदा बनाएंगे। तो आप इसको भी कोशिश करें कि अगर आपके पास आप इसको अलहदा बनाते हैं तो सबका इसका आपने ब्लॉक बना देना है और ब्लॉक बनाने के बाद इसी तरह कमांड बार में आके राइट क्लिक करके क्लिप बोर्ड में आके और पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स कर देना है, तो ये ड्राइंग आपके पास इधर आ जाएगी। तो इसके लिए हमने इधर से दो पॉइंट्स को हमने लेना है, पॉइंट वन हमारे पास ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट्स और पॉइंट टू हम इधर से ये वाला लेंगे। तो आपने हार्ड कॉपी के ऊपर आ जाना है, इधर से आपने ये आप दो पॉइंट्स हम ले रहे हैं, तो ये हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट है इसका ये कोऑर्डिनेट्स की लाइन, और आपने इसी तरीके से इधर आगे आना है और ये एंड वाला जो कोऑर्डिनेट्स है इसकी लाइन आपने ड्रा कर लेनी है। पहले आपने देखा कि हमने इसके तीन पॉइंट्स लिए थे ए बी और इसी तरीके से सी। इसके बाद अभी आपने ये देखना है कि इधर से हमारे पास ये दो लाइन के ऊपर हम करेंगे, अगर हम इसके लाइन हमारी स्ट्रेट नहीं है थोड़ी सी ऊपर नीचे है या रोटेट है सारी, तो इन दो लाइंस की मदद से हम दो पॉइंट्स की मदद से भी इसको करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये वाला कोऑर्डिनेट्स आपने लगा देना है 15000.00 और 45000.00 को। तो आपने इसी तरीके से कमांड बार के ऊपर आना है और इधर आपने पी लाइन की कमांड ले लेनी है। ये जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 15000, आपने ये ऐड करना है 15000, उसके बाद कामा लगाना है 4555
000 आपने इसके साथ लगा के एंटर कर देना है तो ये आपके पास पहली लाइन इधर ड्रा हो जाएगी। आपने उसी तरीके से एंड के ऊपर आ जाना है और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास है, इधर आपने इस कोऑर्डिनेट को इसी तरह लगाना है 151.82.830, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है 455.006.588। लगाने के बाद आपने इंटर कर देना तो आप ये देखेंगे हमारी इधर से पूरी लाइन इधर ये ड्रा हो गई है और ये लाइन हमारी स्ट्रेट नहीं है। तो आपने जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, जो पुरान आपका डिस्टर्ब है थोड़ा सा, आप इसको सीधा नहीं, आपके पास लाइन आ रही है, तिरछी आ रही है आपके पास, या कोई पॉइंट्स आप इधर से भी इस पॉइंट का और इधर से इस पॉइंट को जब लेंगे तो आपने इसके दो पॉइंट्स लेंगे। उसके बाद दोनों पॉइंट्स हमारे पास लग गए हैं, आपने उसी तरह सेम टू सेम लाइन की कमांड ले लेनी है, AL उसको शॉर्ट की है। आपने इसको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और आपने इधर से आना है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को आपने इधर से पिक करना है और इधर आपने इसी तरह फर्स्ट कोऑर्डिनेट के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आ रहा था जिधर से, आपने उस पॉइंट को इधर से सिलेक्ट करना है और एग्जैक्ट उस पॉइंट को आपने सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे और इसी कमांड बार में ये आपसे पूछ रहा है कि अलाइन इसे स्केल ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट्स, तो यस या नो, तो आपने इसको यस कर देना है कि आपका स्केल के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। आप इसको यस करेंगे या वाई प्रेस करेंगे तो ये आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ये पूरा प्लान इधर से मूव हो जाएगा। तो आप इधर से भी आप जो से भी इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह लेंगे वो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से आएंगे जो कि कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। जो जो से डिस्टेंस आप इधर से चेक करेंगे वो डिस्टेंस आपके पास इधर एग्जैक्ट वही डिस्टेंस, अभी तो ये मेरे पास इधर डिस्टेंस इसका आउट आ रहा है, इधर से मैं डिस्टेंस का लगाता हूँ, ये डिस्टेंस लगा के आपको मैं चेक कराता हूँ डी और ई के दरमियान, तो ये हमारे पास आ रहा है 25.32। तो डी और ई के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है डी 25.324 और इधर हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है इसी तरह 25.324। तो आपने ये डिस्टेंस इसी तरीके से क्रॉस चेक कर लेने हैं। चेक करने के बाद आप इनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह को भी सारा लगा सकते हैं, उधर से आपने इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करना है और एक्सप्लोर की कमांड ले लेनी है और इधर से एंटर कर देना, तो ये आपका पूरा प्लान एग्जैक्ट उसी स्केल के हिसाब से और अलाइनमेंट के हिसाब से आपका सेट हो जाएगा जिस हिसाब से आपने उसको दिया था। इसके डिस्टेंस वगैरह, इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह मुकम्मल ओरिजिनल जिस हालत में ये प्लान होएगा तो ये आपका प्लान उसी तरीके से आ जाएगा। तो मैंने आपको इधर दो तरीके बताए। पहला तरीका कि अगर आपके पास ये 90 के ऊपर लाइन जा रही है तो आपने उसको थ्री अलाइन की कमांड लेके और थ्री पॉइंट्स की मदद से उसको लाइन कर लेना है। और इधर इसी तरीके से अगर आप इसके पॉइंट्स को कोई डिस्टर्ब वगैरह है जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही तो उसको आपने टू लाइन की कमांड लेके और टू पॉइंट्स की मदद से उसको बनाना है। तो ये आप इसी तरीके से ये जो जो सी भी ड्राइंग आपकी जितने हैवी प्लान है जो भी हैं वो आप इजीली तरीके से बिल्कुल सिंपल वे के जरिए, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको कैसे एडजस्ट करेंगे ये बहुत मुश्किल है, तो ये कोई मुश्किल नहीं आएगा। आपका ये प्लान इसी तरीके से ओरिजिनल हालत में दोबारा आ जाएगा और आप इसके ऊपर मज़ीद अपने मर्ज़ी से जो भी कोऑर्डिनेट्स वगैरह लगाना चाहते हैं लगा के और काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।